मेरे पीछे खड़ी है सुजुकी की वी स्ट्रॉन्ग 250 SX। मुझे आज इसे फाइनली चलाने का मौका मिला, बहुत मज़ा आया। विजुअली एक बिग सीसी बाइक लगती है, मतलब प्रेजेंस लगता है इस बाइक का। स्पेशली जो येलो कलर है ना, बहुत सही लगता है। बहुत लोग मुड़ के देख रहे थे और मुझे भी मज़ा आया चलाने के लिए। 250 CC की बाइक है और ये आपको ऑन रोड मिलेगी अराउंड 2.50 lakh। और अगर मैं बाइक के बारे में बताना चाहूँ, जब मैंने फ़ोटोज़ में देखा था, सुजुकी ने जब अनाउंस किया कि इसे इंडिया में लॉन्च करने वाले, तब इसके इमेजेस आ रहे सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे भी ऐसे बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे। तब मैंने इसे देखा, मुझे थोड़ी सी साइज़ में छोटी लग रही थी, पर जब मैंने अभी इसे फिजिकली देखा ना, लिटरली एक बिग सीसी की बाइक लगती है जब आप इसके ऊपर बैठ के इसे चलाओगे। तब मैंने एक शूट किया है, मतलब मोटो ब्लॉग नहीं बट एक वीडियो निकाली है चलाते समय, वो आपको आगे दिखाऊंगा। बाकी इसके कंपटीटर की बात करते तो इसके लिए एक ही कंपटीटर है इस मार्केट में अभी, KTM 250 एडवेंचर। पर अगर प्राइस के बारे में बात करूँ तो ये बाइक आगे निकल जाएगी, क्योंकि जो KTM 250 एडवेंचर है उसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है इससे। पर आपको इस प्राइस में बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपका कोई प्लान है बाइक लेने का एडवेंचर कैटेगरी में, तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा, ऐसा मैं कहना चाहूँगा। क्योंकि सुजुकी है, इंजन बहुत ही रिफाइन है, मैंने चला के देखा और पावर भी बढ़िया है इंजन को। जो इंजन है इसमें बस थोड़ा बहुत ट्यूनिंग किया है, बाकी ये जो इंजन है 250 CC जिक्सर का इंजन लगाया गया है। और आप जो लाइट देख सकते हो ना, वो भी जिक्सर जो नेकेड वाली है उसकी हेडलाइट है। बट आपको सामने बिग मिलेगी जो आती है सुजुकी की बिग सीसी की वी स्ट्रॉन्ग में, उसमें तो बाइक का प्रेजेंस बहुत सही लगा, मुझे मज़ा आया। अगर आपकी हाइट छोटी है ना और आपको ऐसी बड़ी हाइट वाली बाइक चलाने की आदत नहीं, तो आपको शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत आएगी जैसे मुझे आई। पर सुजुकी का ऐसा कहना है कि वो एक्सेसरीज में ऐसी एक सीट आपको देंगे जिसके थ्रू आपकी ये जो हाइट की इशू है वो सॉल्व हो जाएगी थोड़ी बहुत। पर चलो ठीक है, एक बार आदत होने पर आप सब मैनेज कर लोगे। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा इसके कॉकपिट व्यू के बारे में, हम राइडर्स इसे कॉकपिट व्यू कहते हैं। मुझे ना लिटरली ऐसा लग रहा है मैं वो बड़ी वाली वी स्ट्रॉन्ग चला रहा हूँ, ऐसा मुझे विजुअली लग रहा है। क्योंकि पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, पर इसके टैंक के ऊपर ना दोनों साइड में सुजुकी लिखा है, तो वैसा सेम वो बड़ी वाली वी स्ट्रॉन्ग में लिख के आता है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। और ये जो इसका आइकॉनिक येलो कलर और जो बिग डिज़ाइन है ना सामने, बिग मतलब वो चोच, वो बड़ी वाली वी स्ट्रॉन्ग में आती है, ऑलमोस्ट वही डिज़ाइन आप कह सकते हो। मुझे ना बाइक भगा कर देखनी थी, पर यहाँ पर आसपास ऐसा कोई खाली रोड नहीं मिलेगा, सब रोड ट्रैफिक से भरे। इसकी जो विंडशील्ड है ना उसकी मुझे टेस्ट करनी थी, कितना विंड ब्लास्ट कट करती है, क्योंकि थोड़ी सी छोटी लग रही है मुझे, यहाँ पर नहीं भगा सकता मैं कहीं तो। फिर भी ठीक है, एक और टेस्ट करके देख सकते हैं सस्पेंशन की कितनी सॉफ्ट है। यहाँ से ना लेफ्ट लेता हूँ, आगे एक ख़राब रास्ता है थोड़ा सा। मेरे दोस्त के पास ना एक्सपल्स है, तो मैं चलाता रहता हूँ, तो उसके बारे में मुझे पता है कि कैसे सस्पेंशन है उसके, बहुत ही बढ़िया सस्पेंशन, एकदम सॉफ्ट। तो ये भी एडवेंचर टूरर है, तो देखते हैं सस्पेंशन। अरे डॉगी, सस्पेंशन हाँ, मतलब अच्छे सस्पेंशन, सॉफ्ट ही, ज़्यादा जर्क मुझे फील नहीं हुआ। और जब मेरा वेट भी उतना नहीं है, तो वेट के ऊपर भी डिपेंड रहता है सस्पेंशन का। बाइक का वेट तो ठीक ठाक है, इतनी भी हेवी बाइक नहीं है और इतनी भी लाइट वेट भी नहीं है। बाकी ना मुझे ये मीटर पोजीशन बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी जगह पर प्लेस है, मीटर आराम से आपको विजिबल हो जाता है जो भी इसके अंदर इंफॉर्मेशन है। और ये मुझे तो लगता है एनी कंडीशन, एनी वेदर कंडीशन में आपको आराम से विजिबल हो जाएगा। बाइक के इंजन के बारे में अगर मैं कहना चाहूँ ना, तो ये 250 जिक्सर का इंजन है, और मैं 250 जिक्सर ऑलरेडी चला चुका हूँ, बहुत बार चलाया मैंने उसे, तो उसके परफॉर्मेंस और पावर का मुझे अंदाज़ है। तो शायद से सेम ही पावर लग रही है और थोड़ा बहुत ट्यूनिंग है। यहाँ पर तो भगा के नहीं दे सकते हम, पूरी टेस्ट नहीं ले सकते इस बाइक की, थोड़ी देर के लिए मिली है मुझे। पर हाँ, मुझे परफॉर्मेंस अच्छा लगा इंजन का, और जापनीज टेक्नोलॉजी सुजुकी का जो इंजन है वो उनकी ऑयल कूलिंग टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। ये हेलमेट की वजह से ना यार मेरे गाल दब जाते, तो मुझे ठीक से बात नहीं करने थे, कुछ कुछ शब्द है ना वो मेरे फिसल जाते हैं। पर आपकी ये बाइक नहीं फिसलेगी, क्योंकि इसमें ना ड्यूअल पर्पज़ टायर है ऑन रोड ऑफ रोड के लिए, और ब्रेक बाइट भी मुझे अच्छा लगा। मतलब नीचे मैंने वो जो ऑटो वाले की तरफ ब्रेक दबाया ना, तो बाइक कंट्रोल में आ गई, वैसे भी स्पीड का आती पर ब्रेक बाइट अच्छा लगा मुझे। क्योंकि ओवरऑल परफॉर्मेंस तो अच्छा है बाइक का, और डिटेल में अगर बाइक को जानना है तो और चलाना पड़ेगा, पर उतना टाइम नहीं है। हाँ, पर यार जो इसकी प्राइस है 2,50,000 में, सुजुकी ने एक
मिस कर दिया, इसमें हज़ार इंडिकेटर का ऑप्शन नहीं दिया है, वो होना चाहिए था एक्चुअली। अभी सभी ऑलमोस्ट बाइक में आता है अभी हज़ार इंडिकेटर, चलो ठीक है। फिर भी बाकी बहुत फीचर्स है इस बाइक में, मज़ा आया मुझे बाइक चला के। देखो पैर देखो मेरे, ये हालत है। चलो ठीक है, बाकी बातें करते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा उन कुछ खास फीचर्स के बारे में जो इस बाइक को स्पेशल बनाते हैं। पहले बात करते हैं इस बाइक के इंजन के बारे में। इसमें आपको मिलेगा 249cc का 4-stroke सिंगल सिलेंडर इंजन, जो कि आता है ऑयल कूलिंग टेक्नोलॉजी के साथ, और सुजुकी जाना जाता है उसके ऑयल कूलिंग टेक्नोलॉजी के लिए, क्योंकि सुजुकी ने इस टेक्नोलॉजी को सबसे पहले डिस्कवर किया था। और हाँ, ये जो इंजन है वो आपको लो RPM पे अच्छा खासा टॉर्क प्रोवाइड करता है, इसका मतलब आपकी जो राइड रहेगी वो बहुत ही रिलैक्स रहेगी। और इसमें यूज़ हुआ है MotoGP टेक्नोलॉजी का, मतलब जो इंजन है उसका वेट काफ़ी लाइट है बट उसमें पावर बहुत ज़्यादा है, लाइट वेट बट पावर। तो ये है MotoGP टेक्नोलॉजी का फ़ायदा। इस बाइक का जो मीटर कंसोल है वो काफ़ी एडवांस और इन्फॉर्मेटिव है। इसमें आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिलेगा, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आपको फ़ोन कॉल्स, SMS और WhatsApp का नोटिफिकेशंस भी मिलेगा। देन गियर पोजिशन इंडिकेटर है, उसके बाद ट्रिप मीटर से, ऐसी बहुत सारी बातें इस मीटर में आपको मिल जाएगी जो आपके राइड के वक्त आपको हेल्प करेगी। इसी के साथ आपको इस बाइक में एक चार्जिंग सॉकेट मिलता है, जिसके थ्रू आप अपने डिवाइस चार्ज कर पाओगे। जब आप राइड पर होगे तो कहीं चार्जिंग का इशू आता है, चार्जिंग ख़त्म हो जाती है, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। लाइक मोबाइल, और बहुत सारे लोग एक्शन कैमरास भी कैरी करते हैं, तो वो भी आराम से चार्ज कर पाओगे। और आपको एक रियर लगेज कैरियर मिलता है जो काफ़ी मजबूत है, मतलब आप उसके ऊपर आराम से 6 किलो तक वेट कैरी कर पाओगे। और उसकी डिज़ाइन भी बहुत डिसेंट लगी मुझे, अगर आपको ज़रूरत है तो आप उसके ऊपर टॉप बॉक्स भी इंस्टॉल कर सकते हो आपके हिसाब से। और इसके जो फुटरेस्ट है उनकी भी एक खासियत है, उनमें ना एल्यूमिनियम और रबर का कॉम्बिनेशन है। उससे होता यह है कि जब आप बाइक चलाते हो तो आपको आपके पैरों में कम से कम वाइब्रेशंस महसूस होते हैं। तो ये कुछ खास बातें इस बाइक की। और मैंने बाइक चलाई, मुझे बाइक बहुत ही डिसेंट लगी, खास करके जो येलो कलर है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंस देता है बाइक को रोड पर। बाकी आपको और दो कलर ऑप्शंस मिलेंगे इस बाइक में, एक ऑरेंज और एक ब्लैक, और येलो कलर एक आइकॉनिक कलर है विस्ट्रोम का, तो वो मुझे सबसे खास लगा। और हाँ, आपको ब्लॉग कैसा लगा ये भी बताओ। और हाँ, अगर आपके कुछ दोस्तों को इस बाइक के बारे में जानना है तो ये ब्लॉग आप ज़रूर शेयर कर सकते हो, उनको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। बाकी आपके कुछ अगर डाउट्स रहेंगे, कुछ कहना रहेगा, तो कमेंट सेक्शन आपका ही है। और अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो बाकी मैं आपको यहीं पर मिलूंगा। हाँ हाँ, रुको ज़रा, मैं इस बाइक के ऊपर ना एक कंपैरिजन वीडियो बनाने वाला हूँ। कंपैरिजन विस्ट्रोम 250 SX और KTM एडवेंचर 250 का होगा, बहुत ही डिटेल में होगा और एकदम आसान भाषा में कंपैरिजन करूँगा। तो आप अगर आप अभी तक RTO से जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाओ, यही कहना चाहूँगा। बाकी ब्लॉग कैसा लगा, चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय।